नमस्कार, कैसे हो आप। एक नई वीडियो के साथ फिर से आया हूं आपके पास, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें वॉल हैंग सीट लगाते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसमें फंक्शन में हमें क्या क्या देखना चाहिए। कुछ इस तरह से है, एक सीट हम इसके बारे में भी देख सकते हैं, जैसे कि ये सीट यहाँ पर लगी हुई है। इस सीट में जो बेस्ट चीज है इसका डिजाइन, इस डिजाइन का फायदा ये है कि इसमें कहीं पर भी कर्व नहीं दिया गया हुआ, तो कर्व ना देने की वजह से ये अपना इजी टू क्लीन हो जाती है। और जो इसका सीट कवर है, जो सीट कवर का जो मटेरियल है, ये ड्यूरोप्लास्ट सीट कवर है जो कि हार्ड पीवीसी की तरह है और ये इजी टू क्लीन है, इसको साफ करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और जो सेकंड पॉइंट है, इसका जो सीट कवर है वो स्मार्ट सीट कवर है, इजी टू रिमूव है। आप यहाँ से प्रेस करोगे, प्रेस करते ही आप इसको आराम से निकाल सकते हो और आराम से ही लगा सकते हो। निकालने के बाद आप इसको आराम से साफ करोगे, साफ करके आप इसको आराम से दोबारा से लगा सकते हो, ये इस तरह से लग जाएगा। और जो इसका सेकंड पॉइंट है, आइए आपको पास से देखिए, जो इसमें यहाँ से सफाई जो होगी वो बहुत अच्छी तरह से होगी, क्योंकि इसमें जो यहाँ से फिटिंग दी है ये रिमलेस है, तो ये इजी टू क्लीन रहता है, हाइजीन रहता है, जो भी जम्स है वो यहाँ पर नहीं रहेंगे, साफ करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी और ये आसानी से साफ हो जाएगा। और इसकी जो फिनिशिंग है, जो इसकी ग्लेजिंग है, वो बहुत ज्यादा ही सुंदर है, देखने में ही पता लग रहा है, शाइनिंग बहुत अच्छी है इसकी। और इस मॉडल का नाम है कैपिटॉल, कैपिटॉल मॉडल है। आप इसको किसी भी सैरा की गैलरी में जाकर विजिट कर देख सकते हैं, आपको इस मॉडल के बारे में बेहतर जानकारी। और अगर आपको मेरी द्वारा इसकी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इसके बारे में। आइए अब आपको इसकी कंसील्ड टैंक के बारे में बताते हैं, कंसील्ड टैंक किस तरह से लगाया जाता है, आइए। तो दोस्तों, जिस तरह से कंसील्ड टैंक के बारे में बता रहा हूँ, ये कंसील्ड टैंक रहेगा इसका, इसमें यहाँ पर नोब दी जाती है, ये बटन, इसको नोब कहते हैं, और ये कंसील्ड टैंक है। इस तरह से ये दीवार के अंदर फिक्स हो जाएगा, दीवार में फिक्स होने के ऊपर इसके ऊपर टाइल्स लगा दी जाएगी, उसके बाद यह टैंक नहीं नजर आएगा, टैंक का बस ये बटन ही नजर आएगा, ये नोब नजर आएगी। और इस सीट में भी ड्यूरोप्लास्ट सीट कवर है और ये भी इजी टू रिमूव है, इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। इसकी भी शेप कुछ ज़्यादा ही सुंदर है और इसमें भी इसकी ग्लेजिंग भी बहुत सुंदर है। और हाँ दोस्तों, मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि भी अगर आप ये नोब लगवा रहे हैं, नोब में बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, वो निकल्ड में लगाएं या वाइट में लगाएं, ये आपके ऊपर है। इसके अलावा मैं आपको और मॉडल दिखाता हूँ, आइए। तो दोस्तों, नेक्स्ट मॉडल के बारे में बता रहा हूँ, और इस मॉडल का फायदा है, इस मॉडल का नाम है कैंपबेल मिनी। ये कैंपबेल मिनी है, इसके अंदर ही जो जेट है वो इनबिल्ट है, ये इसका जो जेट है इसी के अंदर इनबिल्ट है। और आप यहाँ से अगर वो जेट लगाना चाहो लगा सकते हो, हैंड जेट भी लगा सकते हो, और ये जेट तो आपको इसके साथ ही मिल रहा है, स्मार्ट सीट कवर नहीं। और इसमें जो इसकी शेप भी बहुत ही सुंदर है, सीट कवर और इसकी जो ग्लेजिंग की हुई है बहुत सुंदर है, सीट कवर बहुत स्लिम है, देखने में भी सुंदर है, और इसका प्राइस भी बहुत ठीक है। और एक और सीट आ जाती है इस शेप में, ये इस मॉडल का नाम कॉस्मिक है, ये कॉस्मिक मॉडल है, और इसमें भी ड्यूरोप्लास्ट सीट कवर है। ड्यूरोप्लास्ट सीट कवर का फायदा ये रहता है कि ये इजी टू क्लीन हो जाता है। और जो इसकी शेप दी गई है, यहाँ से देखिए एक बार शेप पे नजर डालिए, शेप बहुत ही ज्यादा सुंदर दी गई है, शेप की वजह से इसको इजी टू क्लीन है, एक ही कपड़े में आप इसको आसानी से क्लीन कर सकते हो। और ये भी सेम उसी तरह से है, आप देख सकते हैं इसकी फिटिंग, इसकी फिटिंग ये भी रिमलेस है। रिमलेस होने की वजह से हमें क्या फायदा होता है कि ये हाइजीन रहता है, कोई भी जम्स नहीं आते, तो ये हाइजीन रहेगा, साफ करने में दिक्कत नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो हाइजीन रहेगा। स्मार्ट सीट कवर दिया है, जिस तरह से वो रिमूव हुआ था इसी तरह से ये भी रिमूव हो जाएगा आराम से, रिमूव करने के बाद आप इसको इजी टू क्लीन कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये वीडियो मैंने बनाई है और आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के बारे में बताया है और उसके फीचर्स दिखाए हैं और कंसील टैंक दिखाया है, और अगर आपको इसके अलावा भी कोई अदर मॉडल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप किसी भी सैरा की गैलरी में विजिट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो को मैं बनाता रहूँ और आपको दिखाता रहूँ, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।